सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। सागर जिले के शाहगढ़ पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जीने चढ़ते समय गिरने से बाल बाल बच गईं। उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने सहारा दिया। वहीं इसी दौरान वो मीडिया से मुखातिब हुईं और शराबबंदी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब पर कहा कि आप सरकार से पूछिए कि उनका साथ क्यों नहीं दे रहे। साथ ही बोली कि शराब पीने वाला ही शराब को गलत मानता है, शराब पीने वाला भी चाहता है कि ये बंद होना चाहिए। इसके अलावा पूर्व सीएम उमा भारती बोली कि वो बचपन से ही शाहगढ़ आती रही हैं। जब वो तकरीबन 10 साल की थीं, तब शाहगढ़ निवासी स्वर्गीय हर नारायण बिलैया उन्हें शाहगढ़ लेकर आए थे। उस दौरान वो प्रवचन देने लगी थीं। उस परिवार से आज भी आत्मीय रिश्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि शाहगढ़ उनके दिल में धड़कता है। दरअसल अल्प प्रवास पर शाहगढ़ पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती का शाहगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष मनीष यादव के सिमरिया निवास पर भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले उमा भारती ने निवास परिसर में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद कई लोगों ने उमा भारती का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उद्योगपति कुलदीप सिंह राठौर समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। कुछ देर रुकने के बाद उमा भारती छतरपुर रवाना हो गई। अभियान को प्रदेश में सफल क्यों नहीं माना जा रहा है, प्रदेश सरकार क्यों नहीं सहयोग कर रही है? ये तो आपको प्रदेश सरकार से पूछने, मुझसे नहीं, मेरे साथ में आप लोग हो। क्योंकि शराब एक ऐसा तत्व है जिसको शराब पीने वाले भी गलत मानते हैं। मतलब एक अजीब बात है ये कि शराब पीने वाला भी चाहता है कि मैं शराब ना पीऊँ, वो मजबूरी में शराब पीता है, शराब कोई खुशी से नहीं पीता। तो इसलिए सारा समाज, पीने वाले और नहीं पीने वाले, सब शराब के खिलाफ है। अब बाकी शराब सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है, ये आपको सरकार से पूछना, मुझसे नहीं पूछना। हाँ, मैं यहाँ बिलैया जी के घर आती थी पहले। जब मैं प्रवचन करने आई थी तो मैं 10 साल की थी, 8-9 साल की थी। और यहाँ एक बहुत अच्छे समाज से भी व्यापारी परिवार था बिलैया जी का, तो वो मुझे लेने गए थे गुहारा से। और मेरे को बहुत सम्मान के साथ मेरा बड़ा भारी जुलूस निकाल के मुझे लाया गया था। और ये बात है 70 की। हाँ, तब मैं 9 साल की थी, 8-9 साल की। तब से शाहगढ़ के लोगों ने हमेशा मेरा सम्मान रखा, मेरी बात मानी और मैंने जहाँ कहा वहाँ वोट दे दिया। तो इसलिए शाहगढ़ तो मेरा घर है एक प्रकार से। बिलैया जी को तो अब तो वो शायद नहीं होंगे ना, रामगोपाल के साल के हैं, नहीं रामगोपाल के पिताजी, क्योंकि वो उसी समय 60-65 के थे, 4 साल में। वो नहीं है, वो तो मतलब मैं अभी 62 की हो गई हूँ, तो तुम समझ लो मैं उस समय 10 साल की थी। ये भी प्रहलाद जी बताएंगे ना, मैं थोड़ा सा बताऊँ। मैं तो आपको एक बात बता सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, मतलब शाहगढ़ और शाहगढ़ ब्लॉक, ये मेरे दिल में धड़कता है। और मैं फिर उनका नाम का स्मरण करूँगी। मैं भले ही प्रवचन करने आई थी लेकिन उस परिवार से मेरा विकट स्नेह रहा। और कभी मौका पड़ेगा तो मैं कई बार चली भी जाती हूँ अंदर उनके पास, उनके घर में, रामगोपाल और भाभी और सबसे मिल, दिनेश डॉक्टर जो था घर में, वो दिनेश ही नाम था, मुन्ना चाचा दिनेश चाचा, मैं सबको स्मरण करती हूँ। और शाहगढ़ के लोग मेरे बहुत भक्त रहे हैं, तो मेरा एक अलग आत्मीय संबंध है जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो राजनीति से परे है मेरा संबंध। और बंडा से भी मेरा ऐसे ही संबंध है, इसलिए जब हरनाम भैया चुनाव लड़ते थे मैं उनको कभी भूल नहीं सकती। तो बस वो कहते थे दीदी बस आप आ जाओ, हमें और किसी की सभा नहीं चाहिए, 1 घंटा बंडा में दे देना, 1 घंटा शाहगढ़ में दे देना। तो मेरा तो अपना अलग संबंध है और आप लोग जो कहोगे मैं आपकी बात कन्वे कर दूंगी, बाकी उनकी बात वही बोले जो ज्यादा अच्छा।
शाहगढ़ से सुनील तिवारी, सागर टीवी न्यूज। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटी कुंदन ओल्की इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर।